नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर। आप देख रहे हैं केएम टेक सीरीज। क्या आपको पता है कि एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया गया है जो मैटर के तीनों हालतों में रह सकता है, यानी लिक्विड, सॉलिड्स और गैस। और एक ऐसा परिंदा जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही उड़ान में परवाज कर सकता है। इस वीडियो में आप ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस फैक्ट्स को जानोगे जिसको आज से पहले कहीं नहीं सुना। तो फिर देर किस बात, चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8, जब पानी सॉलिड होता है तो उसको बर्फ बोलते हैं। जब यह गैस की शक्ल में होता है तो इसको वाफ या स्टीम बोलते हैं। और जब यह लिक्विड की शक्ल में होता है तो यह पानी की शक्ल में होता है। क्या आपको पता है कि एक ऐसी चीज भी है जो एक साथ मादे के इन तीनों हालतों में अपने आप को तब्दील कर सकती है। इस अजीब वो गरीब फैक्ट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। साइंस ने एक छोटे से कंटेनर में हवा लगाते हुए एक खास प्रेशर और टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ढूंढने में कामयाब हो गए हैं जो इस ट्रिपल पॉइंट के करीब है, जिसको साइक्लोहेक्सीन कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट वही टेम्परेचर और प्रेशर है जिसमें मादे के तीनों स्टेट्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं और ये मादा एक ही वक्त में तीनों स्टेट्स में होता है। कितना अजीब है ना। फैक्ट नंबर 7, साइंसदान ने करोड़ों लाइट ईयर दूर ऊपरी ब्रह्मांड से एक अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है। माहिरों का कहना है कि जमीन पर मास्टरियस इनविजिबल लाइट से बमबारी की जा रही है। दूर दराज सितारों, ब्लैक होल्स और दीगर आसमानी जिस्मों से रेडियो सिग्नल्स और माइक्रोवेव्स जमीन की तरफ छोड़े जा रहे हैं। ये एक ऐसी लाइट है जो साइंसदानों के जहनों और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को मुस्तकिल तौर पर चकरा रही है। इन सिग्नल्स को फास्ट रेडियो बस्ट यानी FRBs कहा जाता है। ये अल्ट्रा स्ट्रांग, अल्ट्रा ब्राइट रेडियो सिग्नल सिर्फ चंद मिलीसेकंड तक रहते हैं जो अरबों लाइट ईयर दूर से भेजे गए हैं, हालांकि उनका सही सोर्स अभी तक मालूम नहीं हो सका है। माहिरों का कहना है कि इस मिस्ट्री को जानने के लिए प्रॉपर डेटा की कमी है, जबकि इन FRBs को पहली बार 2007 में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद सिर्फ 60 ऐसे रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया गया है और उसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 6, बर्तानिया की एक कंपनी ने जेलीफिश के प्रोटीन से एक ऐसी आइसक्रीम तैयार की है जिसको जब आप चाटते हैं तो चमकना शुरू हो जाती है। इस आइसक्रीम में बर्तानवी आइसक्रीम विजर्ड चार्ली फ्रांसिस ने मस्नोई जेलीफिश प्रोटीन का इस्तेमाल किया है जो अंधेरे में भी आइसक्रीम को रोशन कर देती है, और यही प्रोटीन उन समुद्री जानवरों को अपने जिस्म के अंदर रोशनी पैदा करने की सलाहियत पैदा करता है। इस चमकती हुई आइसक्रीम की कीमत $220 बताई जा रही है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आपकी जबान भी उसी तरह प्रिंट करती है जैसे आपकी फिंगरप्रिंट। जबान एक ऐसा अज़ा है जिसका स्ट्रक्चर हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टूल के तौर पर जबान के प्रिंट का इस्तेमाल अब जेर तहकीक है, और डिफरेंट स्टडीज से पता चलता है कि जबान का इस्तेमाल दूसरे बायोमेट्रिक टूल्स पर बहुत फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं कब हमारी जबान को बायोमेट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि किसी से 20 से ज्यादा गले लगने से आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन नामी केमिकल रिलीज होता है जिससे एक दूसरे में एतमाद बढ़ जाता है। आप अपने घर वालों और दोस्तों से अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए शायद गले लगाते हैं। हो सकता है कि आपने इनको हेलो और अलविदा करते हुए गले लगाने के बारे में मजीद सोचा ही ना हो। मेरा मतलब है कि असल में इनके पीछे भी पूरी साइंस मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में सूरज को राइज होते हुए देखता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पूरी दुनिया के ऑर्बिट को चक्कर लगा लेती है, और ये एक फुटबॉल के मैदान जितने एरिया पे फैली हुई है, और इसको रात के वक्त आसमान में देखा जा सकता है क्योंकि ये आसमान का तीसरा सबसे बड़ा रोशन ऑब्जेक्ट है। याद रहे कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2020 तक डिसकमीशन करना था, लेकिन अब उसकी तारीख 2030 तक बढ़ा दी गई है।
फैक्ट नंबर दो, हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो गेट ऑफ हील या नर्क के दरवाजे से मशहूर है। जी हाँ, यह तुर्कमेनिस्तान का एक इलाका है। एक्चुअली पुराने सोवियत यूनियन के टाइम में तुर्कमेनिस्तान में कारकोम डेजर्ट में साइंटिस्टों ने एक कुदरती गैस का जखीरा पाया था और उसकी खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उसके ड्रिलिंग के दौरान एक अजीब गरीब चीज से टकरा हुआ था और थोड़ी देर बाद सारा ड्रिलिंग का सामान जमीन दोज हो गया और फिर एक जहरीली गैस बहने लगी जो माहौल के लिए बहुत ही खतरनाक थी। साइंटिस्टों ने माहौलती तबाही से बचने के लिए उस गार को आग लगा दी थी और वो आग 1971 में लगाई गई थी जो अभी 49 इयर्स के बाद भी जल रही है, जिसको वहाँ के मुकामी लोगों ने डोर ऑफ हील करार दे दिया है। फैक्ट नंबर एक, क्या आपको पता है कि ट्रिनी आर्किटेक्ट्रन नामी एक परिंदा दुनिया की सभी क्रिएचर में सबसे ज्यादा सफर करने वाले में से एक है। इन परिंदों की अफजाइश आर्कटिक ओशियन पे होती है। यह परिंदा हर साल तकरीबन 24,000 मील यानी 40,000 किलोमीटर प्रवास करता है, जो जमीन के एक कोने से दूसरे कोने के फासले के बराबर है। आर्किटेक्ट्रन 25 साल तक जिंदा रहता है और पूरी जिंदगी में 6,20,000 मील की प्रवास करता है, जो तकरीबन जमीन के चांद तक के फासले के 3 गुना होता है। ये वाहिद परिंदा है जो सालों तक बगैर लैंडिंग के सफर करता रहता है। दोस्तों, ये थे 8 इंटरेस्टिंग साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर वीक ऐसे ही फैक्ट से आगाह करते रहेंगे। अगर फ्यूचर में इस तरह के चौंका देने वाले फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल KM टेक सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आज का बुलेटिन पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक के लिए बाय बाय।